देखिए, अब आपको एक्सरसाइज 1.3 के लिए कुछ कंसेप्ट्स दिए गए हैं, थोड़ा इनको समझ लें आप। जैसे आप प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ऑफ इंटीजर्स, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स ये पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद आपको ये मल्टीप्लाइकेशन के लिए, इंटीजर के मल्टीप्लाइकेशन के लिए प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा इनपे देख लीजिए आप कैसे होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास टू इंटीजर्स हैं, जैसे ए है और बी है, इनका मल्टीप्लाई करिए आप तो हमारे पास इंटीजर ही आएगा। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ए भी हमारा आया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ए इंटीजर। यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। थोड़ा चेक करके देखते हैं इसको। मान लीजिए हमने ए की जगह 5 ले लिया है और बी की जगह 3 ले लिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करिए, कितना आएगा आपके पास, 15। तो देखिए 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, जब दो इंटीजर का आपने प्रोडक्ट किया है तो हमारे पास 15 आया, यानी कि ये भी एक इंटीजर है आपका। टू इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने से एक इंटीजर ही मिलता है हमें। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब कहने का ये है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाइकेशन के लिए, जो प्रॉपर्टी होती है ना मल्टीप्लाइकेशन ऑफ इंटीजर, तो मल्टीप्लाई के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या इसके लिए वैलिड है, यानी कि ट्रू है, सत्य है, ये बिल्कुल ओके है। नंबर टू में देखिए आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें ऑर्डर चेंज करते हैं, कोई से दो रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए हमने ए और बी को ही लिया है, तो ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, इस अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है कि कोई से दो इंटीजर हैं, उनका अगर क्रम बदल के, यानी कि ऑर्डर चेंज करके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू बराबर होती है। तो इसको चेक करके देखिए, जैसे मान लीजिए ए की जगह 5 है, बी की जगह 2 है, यहाँ बी की जगह 2 है, ए की जगह 5 है। देखिए पहले 5 इंटू 2 था, अब कितना हो गया, 2 इंटू 5। तो ऑर्डर को चेंज कर दिया हमने। जब ऑर्डर चेंज किया है तो इनकी वैल्यू देखिए आप, 5 2 जा कितना हुआ, 10, यहाँ भी 5 2 जा 10, तो दोनों तरफ आपका बराबर आ रहा है, LHS इक्वल RHS। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी मल्टीप्लाइकेशन के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, थर्ड की आपकी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, जैसे आप इसमें दो से ज्यादा इंटीजर्स लेते हैं, मोर देन टू इंटीजर्स, जैसे 3 ले ले चाहे 4 ले ले, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर्स ए बी और सी है आपके, तो इसमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तो उसमें क्या होता है कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। तो इसमें केवल ये करने से मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का करो उसके बाद इससे करो, मान लीजिए पहले दोनों का कर लो उसके बाद तीसरे से कर लो, आप वैल्यू आपका बराबर ही होगा। यानी कि जब ग्रुप हम बनाते हैं इनका, इनको ग्रुप के रूप में अगर हम मल्टीप्लाई करें, इनका ग्रुप बनाया मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे कर लीजिए आप। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते, जैसे मान लीजिए ए की जगह 2 है, इसकी जगह 3 है, इसकी जगह -5 है, इन पे रखिए आप, ए की जगह 2 रख दीजिए, इंटू बी, बी की जगह 3 रखिए, सी की जगह -5, और ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह -5। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 हुआ, 15 2 जा 30, इसमें माइनस भी आ रहा है तो ये माइनस का 30 हुआ, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, और ये माइनस है इसको भी रख दीजिए। देखिए दोनों तरफ ही वैल्यू इक्वल आ रही है हमारी। तो मतलब क्या हो गया है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी मल्टीप्लाइकेशन के लिए एप्लीकेबल है। अब इसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई से 3 इंटीजर्स ए बी और सी है, तो जैसे इसको यूं लिखें आप, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि जब 3 इंटीजर्स आपके पास हैं तो ऐसे जैसे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहा गया है, क्योंकि इस ए को हम अंदर ले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस ए को इसके भी साथ और इसके भी साथ। ए का पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, ए भी हो जाएगा, देखिए लिखा है ए इंटू बी, और प्लस तो प्लस लगा, फिर ए का मल्टीप्लाई सी से किया तो ए इंटू सी हो गया। तो इसको भी हम चेक करके देखते हैं कि जैसे ए की वैल्यू, अब ए बी सी तीनों की वैल्यू कोई से ले लीजिए आप, मान लीजिए ए की जगह हमने 3 ले लिया, बी की जगह 2 ले लिया, यहां पर मान लीजिए -1 ले लिया। अब इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं दोनों साइड हमारी इक्वल आती है कि नहीं आती है। तो ए की जगह हमें 3 लिखना होगा, इंटू बी, बी की जगह 2 लिख दीजिए, और सी की जगह -1 है तो यहाँ -1 कर दीजिए आप, इक्वल ए इंटू बी यानी 3 इंटू 2 प्लस ए इंटू सी, तो ए की जगह 3 है और सी की जगह -1 है, दोनों तरफ हम थोड़ा सॉल्व करते हैं
थ्री इंटू टू बन, टू में से माइनस वन कर दीजिए, वन आएगा इक्वल थ्री टू जा सिक्स, और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, थ्री बन जा थ्री, थ्री बन जा थ्री, ये हो गया। और सिक्स में से ये थ्री घटा दीजिए आप, तो ये भी थ्री आएगा, तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। मतलब कहने का ये हो गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको कहने से यहाँ प्लस लगा था, ओवर एडिशन आप कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, मतलब इसे प्लस है। अगर यहां माइनस लगा हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यानी ओवर सबट्रैक्शन, ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी नंबर को आप, किसी इंटीजर को आप वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मतलब कहने का ये, जैसे हमारा इंटीजर ए है, ए में वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो इसको यू भी लिख सकते हैं वन इंटू ए, और वही नंबर हमारे पास आ जाता है। चेक करके देखते हैं, मान लीजिए ए की जगह हमारा फाइव है, फाइव इंटू वन, तो फाइव इंटू वन को वन इंटू फाइव भी तो लिख सकते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास फाइव, जो नंबर लिखा है वही तो आ जाता है। तो ये होती मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी नंबर में वन से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आता है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसके आगे हम एक्सरसाइज आपको शुरू करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें आपको जैसे हमने टू पॉइंट से यहां पर लिख लिए, एक फर्स्ट लिखा है एक थर्ड लिखा है, तो इनका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में थ्री इंटू माइनस वन, तो थ्री से जब हम माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री बन जा थ्री होगा, माइनस है तो रख दीजिए आप, कोई अदर इसमें साइन है नहीं जिससे मल्टीप्लाई करें, एक ही बार माइनस है वो रख दिया हमने, तो वही इसमें है, पहले साइन से मल्टीप्लाई करिए उसके बाद नंबर का मल्टीप्लाई करिए आप। तो इसमें क्या है, माइनस ट्वेंटी वन इंटू माइनस थर्टी, तो माइनस और माइनस का पहले मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, लगाना चाहो लगा सकते हो और प्लस ना लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 21 और इसका 30 का 0, और 21 3 जा 63, ये हुआ है इनका मल्टीप्लाई। देखिए जो आपके साइन होते हैं प्लस और माइनस के, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आप समझ लीजिए, अगर मैं बता दूं आपको मल्टीप्लाइकेशन ऑफ साइंस, जैसे आपकी सेम साइन हो, जैसे माइनस और माइनस का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि ये दोनों सेम साइन है उनका मल्टीप्लाई प्लस हो। अगर ये अपोजिट साइन हो, जैसे एक माइनस हो और एक प्लस हो, तो इनके लिए हम क्या रखते हैं माइनस, अगर एक प्लस है एक माइनस है, दोनों अपोजिट साइन हो गए तो आपको माइनस ही तो रखना है, अगर दोनों प्लस है आपके तो आपको प्लस रखेंगे, ये दोनों सेम साइन हो गए, सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस होता है और अपोजिट साइंस का मल्टीप्लाई आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको साइन का मल्टीप्लाई कैसे करना होता वो बताया आपको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सिंप्लीफाई। पहला पॉइंट इसमें है माइनस एट इंटू नाइन प्लस माइनस एट इंटू सेवन, तो इसमें क्या है कि जैसे ये मल्टीप्लाइकेटिव आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लाइकेटिव के लिए, वो यहां पर अप्लाई हो रही है। देखिए आपको क्या है, जो चीज दोनों भागों में मिले एक जैसी, तो जैसे एक पूरा भाग ये है ये पूरा भाग है, तो इनमें से ये चीज जो है माइनस एट ये माइनस एट ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनको हम कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब बाहर निकाल लीजिए आप माइनस एट, और अंदर क्या हमारे पास बचेगा यहां से, क्योंकि जो कॉमन लिया आप उसको अंदर नहीं लिखेंगे अब, तो ये नाइन लिख लीजिए आप, ये माइनस एट तो निकल गया, ये प्लस बचा है और ये सेवन है, को बंद कर दीजिए आप, क्या आपके पास बनेगा माइनस एट इंटू, इन दोनों को प्लस करिए आप सिक्सटीन हो जाएंगे। अब एट और सिक्सटीन का मल्टीप्लाई करो आपका कितना बनता है, सिक्सटीन एट जा, अरे तो माइनस लगा दो ये वाला, सिक्सटीन एट जा कितना होता है 128, ये इसका जवाब हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट भी ऐसा ही है, जैसा फर्स्ट है वैसा ही थर्ड है, इसमें क्या है ये दो भाग है आपके ये और दूसरा ये है, तो इसमें देखिए एक जैसा नंबर दोनों में मिलता है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए कॉमन निकाल लीजिए आप, तो क्या होगा आपके पास 20 बाहर निकालेंगे, अंदर आपके पास माइनस 16 बचा है, क्योंकि जो कॉमन निकालते हैं फिर उसको अंदर नहीं लिखते हम, और ये बाहर निकल गया तो प्लस 14 ये बचा है आपके पास। अब आपके पास क्या बचा, 20 मल्टीप्लाई लगा दीजिए, क्योंकि इनके बीच में कोई निशान नहीं है वहां पर आप मल्टीप्लाई यूज करते हैं, तो 14 से 16 को माइनस करिए, माइनस 2 आएगा, कितना होगा माइनस पहले लगा दीजिए
और 20 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, आप क्या आएगा आपके पास 40। ये हुआ इसका थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको जो ब्लैंक दिए हैं वो भरने हैं। कैसे भरना है, जैसे ये लिखा है -6 × यहां भरना है, जवाब कितना दिया है इन्होंने 6, वही नंबर दिया जो दिया था आपके पास, यहां है वही नंबर, यहां पर अंतर कितना है, यहां माइनस है और यहां पर प्लस है भैया। माइनस से प्लस लाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए नंबर तो नहीं बदलेगा क्योंकि हम बंद कर देंगे, 6 बन जाए 6 हो जाएगा। अब चिन्ह केवल साइन को बदलना है, तो यहां पर जब -1 होगा तभी तो आपका +6 आएगा यहां पर। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट में -18 × यहां पर आपको फिल करना है, और -18 वही नंबर दिया जो यहां दिया वही यहां दिया, अगर साइन चेंज होता तो -1 का मल्टीप्लाई करते, साइन चेंज नहीं है तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का कर दीजिए आप। अब यहां पर देखिए फोर्थ पार्ट हमने लिया -1 × यहां पर आपको फिल करना है और कितना दिया है 0। तो किसी नंबर में मल्टीप्लाई किस नंबर का करें कि 0 आ जाए, तो वो एक नंबर 0 ही होता है, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही हो जाता है, तो यहां पर आपको क्या फिल करना है 0। ये इसका जवाब हो गया आपका। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें दो पार्ट हमने लिए हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है, दो भाग भी आपको दिए हैं, दो नंबर्स दिए हैं, तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं क्या लिखेंगे आप, यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या आता है, तो 17 × 8 इनका मल्टीप्लाई करिए आप, आपके पास क्या आएगा 17 × 8 = 136, ये जवाब इसका आया। ऐसे इसको कर दीजिए आप, तो इसमें प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 13 and −9 = तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 × −9, पहले साइन का आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर कौन सा साइन है प्लस, जब लिखा नहीं होता तो प्लस होता है, और यहां पर माइनस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन के लिए हमने प्रोडक्ट क्या बताया है माइनस, तो ये माइनस पहले लगा दीजिए आप, 13 का टेबल 9 बार पढ़ लीजिए 170, ठीक है ना। इसके और भी पार्ट्स हैं वो आपको इसी प्रकार करने हैं, या इनके जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो इस तरह से करने हैं, हमने सबके एक एक दो दो पार्ट आपको बता दिए हैं, बाकी आपको वर्क खुद करना है, और इनके जो नोट्स भी हैं वो हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ओके आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है वेरीफाई द फॉलोइंग, ये फर्स्ट पॉइंट दिया है 18 × 7 + −3 = 18 × 7 + 18 × −3। सो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर से हम जो हमारा ये सर्किल ब्रैकेट है उसको रिलीज करेंगे, हटाएंगे, तो देखिए 18 × 7 ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, और ये 3 इक्वल 18 × 7 जा कितना होगा 126, प्लस लगाइए। अब इसमें 18 ये प्लस ये इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 18 × 3 जा होता है 54, ये माइनस तो है ही आपके पास, ये लगा दीजिए। अब क्या करेंगे 18 × 7 से 3 माइनस कर लीजिए आप, क्या आएगा आपके पास 4 इक्वल 126, ये माइ अब ब्रैकेट को रिलीज करेंगे तो ये दो साइन मिलेंगे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि ये अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, ये 54। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए आप, कितना होगा आपके पास 72, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए आप, 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 5 गया 7, देखिए दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, यानी कि जो हमारी LHS है वो RHS के इक्वल आ रही है, दोनों साइड इक्वल है तो ये आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाई करना है तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अब देखिए 6 क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा समझना होगा आपको, ये सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, सीमेंट की कंपनी है और वो दो तरह का सीमेंट बेच रही है, एक तो व्हाइट सीमेंट भी बेच रही है और दूसरा यहां पर लिखा एंड ए लॉस ऑफ इतने पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, और ग्रे सीमेंट है उसके पास, तो जो व्हाइट सीमेंट को बेचती है तो उस पे एक बैग पर मतलब एक बोरी पर ₹8 का प्रॉफिट होता है, अगर वो एक बोरी बेचेगा एक बैग बेचेगा तो उसे ₹8 का यानी ₹8 का उसको प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे कंपनी सोल्ड, अगर वो ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचती है
तो उसको 5 रुपीज का उसको लॉस हो जाता है। तो एक क्वेश्चन अब पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, और व्हाइट सीमेंट पे क्या है कि आपको प्रॉफिट होता है 8 रुपीज का। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां लिखिए आप अकॉर्डिंग टू गिवन रूल, जो इसमें रूल दिया है, या आप अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या रूल है कि 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है अगर व्हाइट सीमेंट को आप बेचते हैं, तो ये है 3000 एक बैग पर 8 रुपए, तो इतने बैग पर क्या करोगे इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए आप, ये प्रॉफिट होगा आपका, प्रॉफिट कितना होगा 8 3 24, यानी कि 24,000 रुपीज ये प्रॉफिट हो गया इसे बेचने से। अब देखिए दूसरा है, जो ये है व्हाइट सीमेंट पर, ऑन व्हाइट सीमेंट सेलिंग, सेलिंग ऑन व्हाइट सीमेंट प्रॉफिट कितना है आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है और 3000 बैग वो बेचता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24,000 रुपीज आ गया। अच्छा, जब वो सेलिंग करता है ग्रे सीमेंट की, तो आप लिखिए सेलिंग ऑन ग्रे सीमेंट देन लॉस कितना होता है 5 रुपीज का। अब कितने बैग उसने सेल किए हैं 5000, तो 5 × 5000 कर लीजिए, तो ये है 25,000 रुपीज, ये हो गया आपका। तो देखिए उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 24,000 रुपीज का हो रहा है, और जो लॉस हो रहा है वो 25,000 का हो रहा है, तो फायदा कम हुआ है और लॉस ज्यादा हुआ है, यानी कि जो टोटल की हम बात करेंगे तो उसको लॉस ही होगा। यहां पर लिखिए सिंस लॉस ग्रेटर देन प्रॉफिट, देयरफॉर लॉस इक्वल, लॉस में से प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप, तो 25,000 - 24,000 हमारे पास कितने रुपए आए हैं 1,000 रुपीज, ये लॉस हो गया इतने रुपए का इसको, अगर ये इतना 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट का बेचता है और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट अगर बेचता है तो क्या होगा उसको 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा उसको। ओके, तो अब आपके जो क्वेश्चंस जो नहीं हमने लगाए हैं ये रिवीजन में आप करेंगे, अपना पूरा काम को देख के सेम टू सेम वैसे ही है कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, आपको प्रोडक्ट तो निकालना ही है लेकिन यूज किसका करेंगे, सुटेबल प्रॉपर्टी, जो उचित प्रॉपर्टी हो उसका यूज करना, ठीक है। तो ये लिखा है -48 × 105, तो हमारे पास प्रॉपर्टी तो है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, किसका यूज करना है आपको। तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट इसमें अगर मल्टीप्लाई आप कर दे तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ऑर्डर चेंज करके अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो वो तो हम जांच कर सकते हैं, लेकिन हमको एक जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हैं इसमें। ये -48 लिखा है, -48 × ये 105 लिखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 + 5, क्योंकि 100 और 5 को ऐड करेंगे तो 105 ही तो आएगा, कुछ गलती तो कर नहीं दी है। जैसे आपकी होती ना 3 इंटीजर्स के लिए a × b + c, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उसी रूप में हमने इसको चेंज कर दिया है, तो ये किसके बराबर होता है ना a × b + a × c, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए -48 यानी जैसे a से पहले मल्टीप्लाई b में हुआ है, फिर a का मल्टीप्लाई c में, तो उसी तरह से यहां भी करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, उसके बाद 48 का मल्टीप्लाई 5 में करना है। तो देखिए इसमें करना आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इंटू 100 प्लस करके फिर 5 में मल्टीप्लाई भी आपको -48 से करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 100 का मल्टीप्लाई करना तो इजी होता है एकदम, कर सकते हैं, माइनस लगाइए, 48 लिखिए,
ये डबल जीरो है वही रख दीजिए आप, हो गया मल्टीप्लाई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई तो माइनस हुआ है, इनका मल्टीप्लाई किए मान 5 8 40 कितना 4 कैरी हुआ है, 5 4 20 और 4 24। अब ये दोनों माइनस में आ रहे हैं तो इनको हम ऐड कर लेंगे, माइनस में ही आएगा हमारे पास माइनस, हमको ऐड कर लीजिए आप 0 4 8 2 10 और 4 1 5, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। तो यही यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी होती है जो से टेबल हो, वही आपको प्रॉपर्टी यहां भी यूज करनी है। जैसे लिखा 115 × −98, तो पहले तो क्या करेंगे, जैसे अगर इसको चेंज करेंगे तो 100 + 15 लिखना होगा, लेकिन इसको चेंज करना ज्यादा आसान है, इसको 100 − 2 लिखना होगा, कम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे ज्यादा, तो इसका माइनस हटा के आगे ले आओ, माइनस और करके ऐसे लिख दीजिए आप, और −115 × 98 ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इक्वल में अब हम क्या लिख सकते हैं, −115 × जो 98 है हमारा, उसको 100 − 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से अगर 2 माइनस करोगे तो 98 ही आएगा, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यही तो था, ये बताया आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही होती है, a × b + c = a × b + a × c, मतलब a का मल्टीप्लाई पहले इसमें करते हैं, फिर a का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, जो बीच में साइन है उसको हम बीच में लगाते हैं। तो वही यहां करना है आपको, इक्वल −115 × 100, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे −2 × −115, इक्वल इनका मल्टीप्लाई आसान है, माइनस लगा के 115, ये 20 इस पर आ रहे हैं वही रख दीजिए आप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए कितना हो जाएगा 230। तो देखिए यहां पर ये तो प्लस में आया, ये माइनस में आया, तो एक माइनस हो एक प्लस हो तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे हैं, केवल ये देखना है कि हम इनको ऐड करें कि सबट्रैक्ट करें, जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो हमें सबट्रैक्ट करना होता है, निशान उसी का यूज करते हैं जो हमें दिखने में नंबर बड़ा लगता है, ये लगता है ना दिखने में बड़ा ये वाला, वैसे तो ये वाला नंबर इससे छोटा है लेकिन दिखने में ये बड़ा लग रहा है, तो इसी के साइन को यूज करेंगे यहां पर माइनस, फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप 115 × 0 = 230, माइनस कर दीजिए आप 0, ये 7 बचा, ये 2 बचा, ये 11, तो माइनस है 11270, ये इसका सोल्यूशन हुआ है। तो इस तरह से जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी आप सेम इसी तरह से करेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।